खरगोन जिला अस्पताल में गुरुवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर चिकित्सकों ने 2 घंटे काम बंद कर प्रदर्शन किया। प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत डॉक्टर्स ने सुबह 10 बजे से 12 बजे तक मरीजों को चिकित्सा सेवाएं नहीं दी। इससे ओपीडी सेवाओं के लिए पहुंचे कई मरीजों को बिना उपचार के ही लौटना पड़ा, तो कई मरीज चिकित्सकों के लौटने का इंतजार करते रहे। दरअसल डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर बुधवार से प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में अस्पताल में मरीजों को इलाज नहीं मिल पाया। शुक्रवार से अनिश्चितकाल के लिए काम बंद करने की चेतावनी भी दी है। डॉक्टर रत्नेश महाजन ने बताया, सरकार से डॉक्टर्स की मांग है कि समय मान वेतनमान सख्ती से लागू हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, विभाग के उच्च पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जाए, तबादलों में राजनीतिक दखलंदाजी न हो, सार्थक ऐप की अनिवार्यता समाप्त की जाए, संविदा डॉक्टर की नियमितीकरण हो, PSC के द्वारा नई नियुक्ति की जाए। प्रदर्शन के दौरान चिकित्सकों ने नारेबाजी भी की। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। के ओर से ये हमारी हड़ताल आह्वानित की गई है। इसमें कल हमने काली पट्टी लगा के काम किया था समस्त डॉक्टर्स ने पूरे जिले में। आज 2 घंटे का एक सांकेतिक हड़ताल किया है जिसमें 10 से 12 रूटीन ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया एवं इमरजेंसी समस्त सेवाएं चालू थी। महासंघ के आह्वान पर कल से पूर्णकालीन हड़ताल की जाएगी। आज शाम तक हमें आगे की क्या कार्य योजना है इसके बारे में ऊपर से बता दिया जाएगा। हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। DAPC लागू किया जाए, नंबर 1 ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की जाए, क्योंकि हमने देखा गया है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्राप्त होता है और ज्ञात होता है कि कुछ लोग हैं जिनके सर्विस के इतने साल होने के बाद उनको 800 रुपये 900 रुपये प्रदाय किए जा रहे हैं, जो कि एक कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके परिवार के लिए वो बराबर नहीं होता है, वो कम ही रहती है। हड़ताल में कल हड़ताल रखने जा रहे हैं, उसमें निजी अस्पतालों में सेवाएं चालू रहेगी तो अभी उन लोगों से चर्चा चल रही है, जैसा चिकित्सीय संघ हमारा आह्वानित करेगा, अगर जरूरी हुआ तो कल से वो भी हमारे साथ इस हड़ताल में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। क्या नाम सर? डॉक्टर रत्नेश महाजन। यहाँ से सिविल सर्जन के पद पे रिटायर हुआ था 2022 मार्च में, और हमारी एक बहुत पुरानी लंबी मांग थी जिसका गवर्नमेंट ने अभी तक कोई समाधान नहीं किया है, वो थी 4 स्त्री वेतनमान की। इसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ के फेवर में दिया है, उसको भी कम से कम 1 साल लगभग होने जा रहा है न गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है। वो यदि हमारी मांगे मान ली जाती है तो हमारे कई डॉक्टर साथियों का जो रिटायर भी हो गए हैं उनका भी आर्थिक जो नुकसान हुआ था, कई कुछ लोगों से कम 20 से 25 लाख की उनकी रिकवरी हुई है। यदि वो डिसीजन होता है तो उनका रिकवरी का पैसा भी उनको मिलना चाहिए था। और दूसरी जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रदान की जा रही है वो भी अप टू लेवल नहीं है। WHO के मान से देखा जाए तो हम बहुत निचले स्तर पे हैं। बर्डन इतना ज़्यादा है, वर्कलोड का स्टाफ कम है और उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात काम करते हैं और डॉक्टरों के साथ आए दिन कहीं न कहीं अभद्र व्यवहार की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं होती जा रही है। इसके लिए भी हमने एक बार स्ट्राइक की थी, तो यहाँ पर एक 4-1 की गार्ड होना बहुत अति आवश्यक है ताकि इस तरह की घटनाओं से हमारे डॉक्टर सुरक्षित रहे और बेखौफ हमारे मरीजों की सेवा करें। लेकिन 2 घंटे की काम नहीं कर रहे हैं, लगभग 300 डॉक्टर किस प्रकार से व्यवस्था है? बेसिकली चिकित्सक समुदाय जो है जिसमें निजी चिकित्सक से लेके मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक से लेके तो PHC तक के चिकित्सक आज 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं। जो उनकी जो प्रमुख मांगे जो पदाधिकारियों ने आपको अवगत कराया होगा कि कुछ सरकारी डॉक्टरों की वेतनमान को लेके मांगे हैं और निजी इसमें जो है ना जो बढ़ती प्रशासनिक या दखलंदाजी है उस बाबत उनके विरोध स्वरूप ये हड़ताल की जा रही है। इसके बावजूद सरकारी अस्पताल खरगोन में, जिला अस्पताल खरगोन में आयुष चिकित्सक और इमरजेंसी डॉक्टर अभी 2 घंटे के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक तो ऐसी कोई आपात परिस्थिति निर्मित नहीं हुई। आशा करते हैं कि शाम तक स्ट्राइक से रिलेटेड कोई अच्छी खबर मिलने को सुनने को मिलेगी और स्ट्राइक कॉल ऑफ हो सके। अभी 2 घंटे में काफ़ी मरीज जो परेशान होते देखे हैं, कल अनिश्चितकालीन पूरे दिन से हड़ताल चलती है। प्रमुख तौर पे जो RBSK के चिकित्सक हैं, आयुष चिकित्सक हैं, उनको जो है ना इमरजेंसी के लिए तैनात किया गया है, पर फिर भी
पूर्ण रूप से सुचारू व्यवस्थाएं चलाने के लिए ये होगा कि हड़ताल ना हो। डॉक्टर चेतन पटोते। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।